कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मकई की साग वाली नमकीन रोटी। नाजरीन, ये रोटी बहुत ही मज़े की बनती है, गो के इसको बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे और मज़े से खाएंगे। नाजरीन, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है। आप अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। आएँ अब हम असल रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मकई का आटा, ये 1 kg आटा है, इससे 7 से 8 रोटियां बनेंगी। और साग मैंने पहले ही गर्म कर लिया है, क्योंकि रोटी बनाने के लिए हमें गर्म साग ही चाहिए। और 9 से 10 सब्ज मिर्चें हैं, 1 बड़ी प्याज है, 1 बाउल सब्ज धनिया कटा हुआ, और ऑयल रोटी के ऊपर लगाने के लिए। नाजरीन, आटा मैंने परात में डाल लिया, कटी प्याज जाएगी इसमें, सब्ज़ मिर्चें 9 से 10, सब्ज़ धनिया, और सबसे आगे में साग। नमक 1 चम्मच, सूखी मिर्च तकरीबन 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच। अब इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि ये गर्म है इसलिए इसको हम हाथ से नहीं कर सकते, चम्मच से करना पड़ेगा। उबलता हुआ गर्म पानी, इसमें हम गंदम का आटा बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, ये खालस मकई के आटे से बनेगी। नाजरीन, अब जो कुछ ठंडा हो गया है इसलिए इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि आटा लेसदार हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से गूंथ देंगे। नाजरीन, आटे को 5 मिनट के लिए मैंने रखा था, अब ये काफ़ी हद तक फूल गया है, ये देखें लेसदार सा हो गया है। तो अब हम इसको गर्म पानी के साथ मल मल के अच्छी तरह से इसके हम पेड़े बना लेंगे। अच्छी तरह इसको गूंथना है ताकि इसमें जो मकई के आटे में क्रैक आते हैं ना, इसको इतना गूंथना है कि क्रैक ना आए। पांच मिनट तक इसको मैं गूंथूंगी। इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखें आटे में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आ रहे। नाजरीन, ये पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक मोटे वाला शॉपर लिया था, उसको मैंने इस तरह गोल काट लिया है ताकि इसको मैं बेलन के ऊपर बचा लूँगी, इसलिए कि जो रोटी है वो बेलन के साथ तो जुड़ जाती है, इसके साथ रोटी चिपकती नहीं है। तो हम यहाँ पे रोटियाँ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। नाजरीन, इस रोटी में थोड़े थोड़े क्रैक आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, साग है, सब्ज़ मिर्च, प्याज, धनिया, इतना कुछ है, तो थोड़े थोड़े इसलिए जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनेगी, थोड़े इसको छोटे स्टाइल में ही रखेंगे।
चलो फिर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। देखिए नाज़रीन, अच्छे से रोटी पलटी गई है। स्लो आग रखी थी मैंने। अब मैं इसको पलटने के बाद आग तेज़ कर दूँगी, फ्लेम तेज़ कर दूँगी ताकि अब ये जल्दी से पक जाए। नाज़रीन ये रोटी तैयार है, देखें कितनी अच्छी बनी है। तरीके से हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। नाज़रीन मैंने रोटियां ऑयल से बनाई हैं, आप चाहें तो देसी घी और मक्खन भी लगा सकते हैं। नाज़रीन अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, तो उसके लिए आप रोटी बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना होता, और नीचे उतार के ऑलिव ऑयल लगा के खा सकते हैं। नाज़रीन मज़ेदार मकई की साग वाली रोटियां बन गई हैं। ये दो रोटियां इनको मैंने कुकिंग ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर में पेशेंट होते हैं जिन्होंने ऑयल नहीं लगाना होता, वो ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं बाद में। और इनके साथ ये मक्खन है, ताज़ा मक्खन, ये मैंने घर पे बनाया है। आप मक्खन इस्तेमाल करें, ऊपर लगाएं, बच्चों को दें, जैसे भी आप चाहें। और ये दही है साथ, इसमें मैंने ज़ीरा और काली मिर्च नमक बनाया है। आप चाहें तो ग्रीन दही बना सकते हैं, सादा दही के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रोटियाँ हैं, आपको मज़ा आएगा खाने में, बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ ट्राई ज़रूर करिएगा ये रोटियाँ। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।